हाय दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज़्यादा आसान और डिलीशियस फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी बताऊंगी। ये टेम्पटिंग होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है और आप इसे किसी भी टाइम एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे पहले ही दूध चढ़ा दिया था उबलने के लिए। मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है और हम इसे उबाल के आधा कर लेंगे। हम दूध को जितना ज़्यादा गाढ़ा करेंगे हमारा कस्टर्ड उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चीनी डाल देंगे। चीनी डाल के उबालने से दूध और भी जल्दी गाढ़ा होगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा वनीला पाउडर लेंगे, ये आप देख सकते हैं। अगर है तो आप डालिए, वरना कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच वनीला पाउडर लिया है और 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है। कस्टर्ड पाउडर मैंने वनीला का फ्लेवर लिया है, आप कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के एक घोल रेडी कर लेंगे। हम एक साथ इसमें दूध नहीं डालेंगे, नहीं तो ये हमारा इसमें लम्स रह जाएगा और अच्छे से घोल नहीं बनेगा। हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका घोल रेडी कर लेंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारा घोल रेडी हो गया है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। हम इसको दूध में थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाते रहेंगे। एक साथ दूध में हमें नहीं डालना है और लगातार चलाते रहेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है और झटपट कस्टर्ड बनाना है तो आप यहाँ पे दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना करें, बस दूध बॉईल करें और इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाल दें। कंडेंस्ड मिल्क से बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है कस्टर्ड में। इसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे और 1-2 बॉईल आने तक का और वेट करेंगे। ये देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ये गाढ़ा होने लगा है और 1 बॉईल और आ चुका है। इसके बाद हम गैस फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। यहाँ मैंने गैस फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। इसके बाद यहाँ मैंने कुछ बनानास कट कर लिया है और अनार ले लिया है 1 बॉल और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिया है। इसके बाद हमारा कस्टर्ड ये ठंडा हो गया है, हम इसको एक सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे। ये मैंने निकाल लिया है। इसके बाद हम इसमें बनाना डाल देंगे। आपको जो भी फ्रूट्स पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है कस्टर्ड में, इसलिए मैं बनाना ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें 1/2 फुल अनार डाल देंगे। इसके बाद हम मिक्स कर देंगे और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पिस्ता चॉप डाल दूँगी और थोड़ा सा कटे हुए काजू डाल दूँगी। ये देख सकते हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा बादाम डाल देंगे। अब हम सारी चीज़ों को मिला लेंगे। ये हमारा कस्टर्ड मिक्स हो चुका है। और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर लाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा केसर डालूँगी। अगर केसर आप डालना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पर मैं यहाँ केसर थोड़ा सा डालूँगी, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी आप केसर डाल के कस्टर्ड बनाइए, वाकई इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अमेजिंग लगता है कि आप इसे बार बार डाल कर बनाएंगे। बस हम फटाफट से इसको डाल के मिला देंगे, उसके बाद हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। एक बार इस तरीके से कस्टर्ड बना के आप ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ मैंने कस्टर्ड को फ्रेज से निकाल लिया है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।